दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं किस तरीके से आप कोई भी ओल्ड पुरानी टीवी में अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को कैसे चला सकते हैं। मतलब कि भैया आपकी जो पुरानी टीवी है उसको कैसे आप एक मॉनिटर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को बिना स्किप करे देखते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल सर्च यूट्यूब चैनल। चलिए आपको हम बताते हैं किस तरीके से आप कोई भी पुरानी टीवी को एक मॉनिटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों होता क्या है, कई बार अपन अपने कंप्यूटर को परचेस करते हैं या अपन अपने लैपटॉप को परचेस करते हैं और अपन जरूरत पड़ती है एक मॉनिटर की। तो भाई अगर लैपटॉप है तो अपन कोई एक्स्ट्रा मॉनिटर परचेस करते हैं या बड़ी बड़ी टीवियां होती है उनको परचेस करते हैं, लेकिन अपन ये जानते नहीं है कि अपने घर में जो टीवी लगी हुई है उसको भी अपन एक मॉनिटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप पूछो इसमें काम की बड़ी बात है, इसमें बड़ी बात दोस्तों ये है क्योंकि जो नई टीवी आती है उनमें तो अपने मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पुरानी टीवी में क्या होता है कोई भी पोर्ट नहीं दी जाती, ना ही आपको BGA पोर्ट मिलता है और ना ही आपको HDMI पोर्ट मिलता है। उसमें रहती है AV पोर्ट, मतलब कि ऑडियो वीडियो पोर्ट रहती है। उसके माध्यम से भी अपन कंप्यूटर और लैपटॉप को कनेक्ट कर नहीं सकते, तो आपको करना क्या होगा, आपको जरूरत पड़ती है HDMI टू AV वीडियो ट्रांसमीटर की। ध्यान दीजिए ये आपके लिए बड़ी आसानी से मार्केट में मिल जाता है, आप देख लीजिए अच्छे से, और ये पिन इसकी और साथ में एक चार्जर। आप बता दो करना क्या, ध्यान दीजिए यहाँ आप गौर से देखेंगे तो यहाँ आपके लिए ऑडियो वीडियो की पिन देखने को मिल जाती है, ठीक है, और यहाँ आपके लिए एक अपनी HDMI पोर्ट देखने को मिल जाती है। अब करना क्या है, ये जो पिन है इसकी चार्जिंग वाली है, यहाँ देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो एक इसमें आपको एक चार्जिंग का दिया हुआ है स्लॉट देख सकते हैं यहाँ पे, तो आपको यह चार्जिंग वाला स्लॉट पे एक लगा देना पावर के लिए, और इसको जो देख सकते हैं कोई भी एक चार्जर मोबाइल का इसमें लगा दीजिएगा, ये लग गया। अब दोस्तों आपको डिवाइस है वो रेडी हो चुका है, ध्यान दीजिए अगर आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो आपको करना क्या है, अपनी HDMI पोर्ट में उसमें HDMI केबल लगाना होगा। HDMI केबल लगाने के बाद आपको यहाँ देखिए यहाँ आपके देखने को मिलता है HDMI एक पोर्ट, तो आपको जो HDMI केबल अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में लगाई हुई है उस केबल को आपको यहाँ पे लगा देना है। यहाँ पे लगाने के बाद दोस्तों आपको जरूरत पड़ती है तीन केबल की, जो कि लाल आती है, एक पीली आती है और एक सफेद आती है, जिसको अपन ऑडियो वीडियो केबल बोलते हैं, बड़ी आसानी से मार्केट में अपन को मिल जाती है। करना क्या है, आपको वो तीनों केबल यहाँ पे लगा देना है, एक दो तीन लगा दीजिएगा। अब वो तीन का जो आउटपुट है आपको अपनी टीवी में देना होगा, मतलब कि जहाँ अपन टीवी में अपने प्लेयर लगाते हैं या वीडियो गेम लगाते हैं उसमें लगा दीजिएगा। तो होगा क्या, अब दोस्तों आपके लैपटॉप से या कंप्यूटर से सप्लाई आएगी वो यहाँ से कन्वर्ट होकर ऑडियो वीडियो बन जाएगी और इसके माध्यम से आपके टीवी में उसका इनपुट दिखाई देगा, मतलब आउटपुट दिखाई देगा आपका। तो इस तरीके से आप किसी भी ओल्ड टीवी को अपने एक कंप्यूटर का मॉनिटर या लैपटॉप का मॉनिटर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि भैया ये HDMI टू AV कन्वर्टर इसलिए आता है कि अपन अपने किसी भी टीवी को एक कंप्यूटर का मॉनिटर या लैपटॉप का एक्सटर्नल मॉनिटर की तरह इस्तेमाल कर सके। अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगी, कुछ सीखने को मिला हो तो मैं आप समझो निवेदन करूंगा इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो भी भाई और बहन चैनल बनाए प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी कई सारी यूजफुल जानकारियां मिलती रहें। चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर आप सब नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।